शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम समझते हैं कल 26 अक्टूबर 2023 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का, और आपकी सुविधा के लिए पंचांग को डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। कल अगर आप देखिएगा अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पड़ने वाली है और चंद्रमा जो रहेंगे वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 11:47 तक ये रहेंगे, उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ये चले जाएंगे। चंद्रमा जो रहेंगे पूरे दिन अगर कहा जाए तो लगभग मीन राशि में ही रहेंगे, तो इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए आज का दिन आपके लिए अर्थात मेष लग्न वाले जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका भी मिल सकता है कल के दिन में। रचनात्मक क्षेत्र में आप अपनी जगह बनाने में सफल रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति को लेकर लंबे समय से अगर परेशानी चल रही थी तो वो भी आपकी कल दूर हो सकती है। आपको अपने किसी परिजनों से कोई शुभ समाचार भी कल के दिन मिलेगा। काम को लेकर अगर किसी प्रकार की परेशानी थी तो आपके भाइयों की मदद से वह पूरा हो सकता है या मित्र रिश्तेदार आपको उसमें हेल्प करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 82% तक आपका अच्छा है और कल का शुभ अंक 6 शुभ रंग आसमानी बन रहा है। उपाय के लिए शिव जी की अगर आप कल के दिन आराधना करते हैं तो दिन आपका श्रेष्ठ होगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए आज का दिन आपके लिए सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। लेन देन के मामले में आप स्पष्टता बनाए रखेंगे और किसी से लिया हुआ धन आप समय रहते चुकाने की कोशिश भी करेंगे। बढ़ते खर्चों को लेकर भी आपको एक योजना बनाना पड़ेगा, तभी आसानी से आप उसको पूरा कर पाएंगे। लापरवाही से यदि आपने किसी काम को कल किया तो इसमें समस्याएं कल निश्चित रूप से आते हुए दिखाई दे रही है। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहने वाला है। आपको किसी पुराने गलती के लिए पछतावा भी कल हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 78% तक आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और कल का जो शुभ अंक है वो 9 और शुभ रंग जो बन रहा है वो नारंगी बन रहा है। उपाय के लिए सूर्यदेव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिए, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। किसी परेशानी को लेकर अगर आप लंबे समय से किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं तो कल उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। नौकरी की तलाश में कर रहे लोगों को बड़ी उपलब्धि भी हाथ लग सकती है और आपके प्रभाव प्रताप में वृद्धि होने की भी पूर्ण संभावना है, जिसके कारण आप प्रसन्न भी रहेंगे। संतान आपसे किसी वस्तु की फरमाइश की पूरी भी कर सकते हैं जिसे आप अवश्य पूरा करेंगे। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 74% तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक है वो 1 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जल अर्पित करते हैं तो दिन आपका श्रेष्ठ बनेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए आज का दिन आपके लिए मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। किसी धन संपत्ति संबंधित मामले में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सभी का सहयोग आप पर कल के दिन बना रहने वाला है। सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब भी रहने वाले हैं। यदि कोई मित्र आपसे धन संबंधित मदद मांगे तो उसको अवश्य आपको पूरा करना चाहिए। अपने धन का कुछ हिस्सा आप गरीबों की सेवा में भी लगा सकते हैं।
जो कर्क लगन के लोग हैं और राजनीति में इन्वॉल्व हैं, उन्हें आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के परीक्षा के परिणाम आने से आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेंगे आपका अनुकूल ही मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज 70% तक का दिन आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफेद बन रहा है। उपाय के लिए शनि मंदिर में जाकर आप अगर कुछ दान करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए आज का दिन आर्थिक मामलों में अच्छा रहने वाला है। अपने मामले में निसंकोच आपको आगे बढ़ना चाहिए। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। भाग्य के भरोसे आप किसी काम को ना करें, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। और किसी भी अजनबी से किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। आपके सुख साधनों में कल के दिन वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। धार्मिक गतिविधियों के प्रति आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए और आपके घर किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 74% तक आपका तब भी श्रेष्ठ रहने वाला है। कल का जो शुभ अंक है वो 7 और जो शुभ रंग है वो स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का अगर आप कल के दिन जाप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए आज के दिन जल्दीबाजी में किसी भी काम को करने से बचना चाहिए और विशेष रूप से किसी अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। यदि रिश्ते में किसी बात को लेकर दूरी आ गई थी तो वो दूरी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। अपने मामले में अपनी बात को स्पष्ट रखें, नहीं तो आप गलत साबित हो सकते हैं, नहीं तो आपको गलत साबित किया जा सकता है। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है और समन्वय की भावना आपके मन में बनी रहेगी। अपने आप अपने कामों की एक सूची बनाकर अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको समय रहते उसे पूरा आप कर पाएंगे, अर्थात टाइम टेबल बनाकर आपको काम करना चाहिए। कल का दिन ओवरऑल 76% तक मुझे अच्छा दिख रहा है। कल का शुभ अंक 6, शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए गरीब कन्याओं को अगर आप मिठाई बांटते हैं तो कल का दिन अति उत्तम रहेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपका कोई भूमि वाहन आदि को खरीदने का सपना जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी ये जीत आपको ही मिलते हुए दिखाई दे रही है। आज अपने महत्वपूर्ण कामों को किसी दूसरे के भरोसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अपने विरोधियों से कोई बातचीत ना करें, नहीं तो वह धोखा दे सकते हैं। यदि माता पिता से कोई धन संबंधित मदद मांगेंगे तो वो आपको कल के दिन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कहा जाए तो दिन 79% तक आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग जो है नीला बन रहा है। उपाय के लिए तुलसी माँ को अगर आप जल चढ़ाते हैं तो कल का दिन आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए आज के दिन किसी जोखिम भरे काम को करने से आपको बचना चाहिए। व्यावसायिक विषयों में आज गति आएगी। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी नए काम को करने का मौका भी कल के दिन मिल सकता है यदि आपका लगन वृश्चिक है। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ट्रांजेक्शन संबंधित मामलों में आप अपनी आंख और कान खुले रखें, नहीं तो कोई भी आपको धोखा दे सकता है। किसी प्रॉपर्टी के खरीदारी करते समय आप पूरे तरीके से पढ़ने के बाद ही उसको साइन करें। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको हालांकि सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 74% तक आपके पक्ष में रहने वाला है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए भगवान शंकर के मंदिर जाकर गरीबों में कुछ अगर दान करते हैं तो दिन आपका श्रेष्ठ बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए आज का दिन खर्चा भरा रहने वाला है।
आप व्यक्तिगत प्रयासों में उत्साह भी बनेंगे, मित्रों का आपको पूरा सहयोग भी कल के दिन मिलता हुआ दिखाई देगा। अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में जो लोग कार्यरत हैं, ऐसे लोगों को अधिकारियों की किसी गलत बात पर हाँ में हाँ मिलानी पड़ सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 76% तक आपका अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए कल के दिन हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज का दिन आपका सुख सुविधाओं में वृद्धि को लेकर आने वाला है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को बहुत ही सोच समझ कर विचार कर अगर आप उसको करते हैं तो आप लाभान्वित रहेंगे। सभी के साथ आप सहजता से आगे बढ़ेंगे भी, और कोई उपलब्धि मिलने के कारण कल के दिन आप ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं। किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो अत्यधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोगों को किसी डील को लेकर थोड़ा परेशानी उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन 82% तक आपका अच्छा रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 3 और जो शुभ रंग है वो भूरा कलर बन रहा है। उपाय के लिए बेसन के लड्डू हनुमान जी को अगर आप चढ़ाते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, आज का दिन साझेदारी में किसी काम को करने के लिए अच्छा रहने वाला है। सामाजिक कार्यों में तेजी आने के संकेत भी मिल रहे हैं। आपकी भाई बंधुओं से जो नजदीकियां हैं कल के दिन बढ़ते हुए दिख रही है। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। जरूरी काम को लेकर किसी लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी कल के दिन बरतना चाहिए, और धन उधार देने की संभावना जो रहेगी उसको आप लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 74% तक का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए अष्ट लक्ष्मी का अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न मीन लग्न। देखिए, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना ही होगा। कार्य क्षेत्र में कामों में कोई गलती नहीं करे, नहीं तो अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है और आपके मान पद प्रतिष्ठा में बुरा असर पड़ सकता है। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय के बाद मुलाकात कर सकता है। माताजी की सेहत में गिरावट हो सकती है, इसलिए सतर्क रहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 80% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ अंक है वो 7 और जो शुभ रंग है वो मैरून कलर बन रहा है। उपाय के लिए माँ दुर्गा को लाल पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। तो ये था मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का कल 26 अक्टूबर 2023 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।